राम राम दोस्तों, सलासर ट्रैक्टर ट्रबो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप बात करेंगे हाँ भाई, जो आप बाहर से ट्रबो लगवा हुआ है और उसमें लो का पाइप बेस्ट ट्रबो है या फिर स्टील के पाइप बेस्ट ट्रबो हैं, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे आप। जिक्र कई बार कुछ मिस्त्री मैंने देखे हैं स्टील की जगह लो का पाइप दे हुए हैं, जो अपनी स्टील की लाइन में लो की लाइन बनाए दे हुए हैं, तो उसका फ़ायदा और नुकसान की है और स्टील वाला का फ़ायदा और नुकसान की है, मैं अपने यह चीज़ भी समझाऊंगा। फिलहाल यू नो सो साइड ट्रैक्टर भाई ट्रबोला एक ने कंप्लीट तैयार हो गया, ट्रैक्टर ऊपर में चल लगाई हो किसान भाई ने, इस कारण इसमें ट्रबो लगाई है और स्टार्ट करके ना दिखाऊं तो मैं तो ट्रैक्टर सेल्फ नहीं ठान दाई, क्योंकि बैटरी वूटरी डाउन है इसके भाई, कोई अल्टरनेटर में कमी है या किस चीज़ में कमी है, तो ट्रैक्टर सेल्फ नहीं ठान दे रहा, इसी कारण ऊंचाई पकड़िया कर रखे हैं पाँच छः तक। मैं बार आपने इसकी फिटिंग दिखाऊँगा प्रॉपर तरीके से, यह फिटिंग है भाई इसकी। आपने देखो इसका मैं स्टील की लाइन है या भी इन लाइट भी और आउट लाइट भी, जो एयर की इन लाइट आउट लाइट है नहीं, स्टील की लाइन है दोनों ही। जब आप इसका मैं उड़े लो की लाइन बनाए के ना लावा तो सब तो बड़ा नुकसानदायक है, और कोई भी किसान भाई जिस तरह बार ट्रबो लगावे या लगवावे कितने भी जो भी है, तो अपना लो की लाइन ना ही बनवावे तो बेस्ट है, क्योंकि लो कुछ टाइम में कचरा छोड़ना आएगा अरे भीतर, तो हाँ भाई जंग की शिकायत आ जाएगा लो में, जंग कुकर बनेगा जब अपना भाई नू तो है नहीं, पाइप अपने साफ लिया और नुक्का काम ला दिया उसका, वेल्डिंग भी होगा कि सारे काम होंगे, ये अपना कोई लो का पाइप है अपने वेल्डिंग कर दी उसका बाहर को, बाहर तो पॉलिश भी कर दिया, वो दिखने में सुथरा हो गया बाहर तक, अंदर तक कुछ टाइम आने के बाद में वो अंदर तक जर बनाने ला दिया, क्योंकि ईटो लिया वो ईटो पास है, जो उसका लोहे की जो क्वालिटी थी वह डाउन होगी उसकी, और इस कारण वो अंदर जंग बना होगा, जंग कितने भी बनाए भाई साहब राम राम, ठीक है तो जंग कितने भी बनो इन पाइपा में एयर की इन लाइट में या आउट लाइट में कितने भी बनेगा तो सीधा इंजन में जाओगा एड इंजन पर बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा, वो रिंग पिस्टना में जीरी भी गेट इसका है, आने वाला टाइम में इंजन बैक प्रेशर भी उसका जीरी पड़ेगी, तो एड की वाल लीक भी उसका है, क्योंकि देखो ये भी अपनी या एयर उड़त है एयर क्लीनर में तो अंदर जाओगी ट्रबो में, ट्रबो में तो होगी क्या ना अरे इसमें आवेगी, अब मैंने चला इसे पाइप में जर बन गया, जर बन क्या वो पट्टा दोगा ट्रबो तो अपना खिंचाव करेगी इंजन अपना खिंचाव करेगा एयर का, तो वो पापड़ पैटे है या जो भी पैटे है, तो जर बन क्या ना वो सीधा इस ट्रबो में कोई क्या ना उल्टा इंजन में गया, एडकी वालना तो जो नहीं तो सीधा पिस्टन में गया वो बोर में है एग्जॉस्ट वाल में है बाहर लकड़ा है या फिर उस पर कचरा है, तो हेड में वाल में कचरा आया गया तो लीक करेगी वहाँ, और रिंग पिस्टन का भी बोर के कितने बीच में आया गया रिंग में या अपने बोर में पिस्टन के साइड में तो जीरी गिड़ेगा वो, तो या इस कैद में जर बनाया जो या इस लाइन में जरा जो या इस लाइन में जरा जो उन सी में भी जर बनाएगा दोनों में नुकसानदायक है भाई वह चीज़, तो आप कोशिश यह करा करो कितने भी ट्रबो लगवाओ तो चाहे अगला 500 रुपये फालतू पैसे नहीं ले, अगला तो यह कह के लगवाओ भाई मेरे स्टील के पाइप लाइए, स्टील का पाइप है जो ना तो कभी जर बनता ना और बढ़िया चीज़ है स्टील की है, जो लोहा है लोहा में दिक्कत आवा बाद में, तो स्टार्ट कराई करके ना मैं दिखाई सकता, फिलहाल इसकी ओरिजिनल फिटिंग है किसान भाई कदे भी आपने इस पर शो धरना चाहे तो दर्श कर कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, फिलहाल यह इसकी आपने सेटिंग है भाई, और 17 मॉडल ट्रैक्टर आए दियो, ठीक है भाई यही बताना था, इस चीज़ का ध्यान रखा करो आप।